जोहर, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि बड़े मुद्दे हैं इस बार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन भी दिख रहे हैं? हम लोगों के लिए इस चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि एक अवसर भी है। अवसर इसलिए कि 15 साल जो नगरीय निकाय के लिए बेहतर काम किए, जहाँ 200-300 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 3000-4000 करोड़ का बजट तक पहुँचा है। नगरों को इस स्वरूप बदलने का काम हुआ, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का मामला हो, गरीबों के आवास का मामला हो, विद्युतीकरण का मामला हो, और शहर को बेहतर विकसित करने के लिए कार्य योजना के साथ जो काम हुआ, ये उसका नतीजा है कि आज रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ जैसे शहरों में तेजी के साथ मूलभूत सुविधाओं में विस्तार हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि हमने 15 साल बेहतर काम किया है और भविष्य में भी हम बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। केंद्र सरकार से ज़्यादा धन लेकर नगरीय क्षेत्र को और विकसित करेंगे। क्या घोषणा पत्र में क्या कुछ खास नया होने वाला है? कल घोषणा पत्र रिलीज होगा और इसमें नगरीय निकाय की जनता के को वादा और विश्वास दिलाएंगे। जिन मुद्दों पे छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है वो सारे बिंदु का समाहित उसमें किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय